अरे उम्मीद, चाचू आप कहाँ हैं? मैं घर पे। जल्दी से बाहर आए। क्यों? अरे आए तू। क्या तुम बाहर खड़ी हो? अच्छा मैं गेट खोलता हूँ। नहीं आप सिर्फ बाहर हैं। अरे उम्मीद तुम अंदर आओ ना, अपने दूल्हा और हमारे दामाद से नहीं मिलोगी? मेरा दूल्हा और आपके दामाद से मैं तब मिलूंगी जब उनसे मिलना चाहे। अभी आप फिलहाल बाहर हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हो गया उम्मीद? अंदर अंदर हैं? अंदर इतना क्या अर्जेंट हो क्या? बात ही कुछ ऐसी थी। क्यों क्या हुआ है? फरजाद यहाँ खुश है। ले ऐसा वैसा, याद करो जब तुम उसके घर रहती थी तुम कितना खुश रहा करती थी। वैसे मैं अभी भी वहाँ पर खुश हूँ। आपको पता है निगो मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। हाँ तो इसी तरह फरजाद भी पाशा साहब का बेस्ट दामाद बल्कि बेटा बन चुका है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप सब लोग मुझे भूल गए हैं ना। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है, मुझे रोना आ रहा है। क्या आप सब लोग मेरे बगैर यहाँ पर मजे करें? वैसे उम्मीद मैंने इतना अकलमंद दामाद अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि सुकून के लिए अपने ससुराल चले आओ और बेगम के घर वालों से खूब खिदमतें करवाओ। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, ये पाशा साहब को दे दीजिए। ये क्या है? ये मेरे कैफे की इस महीने की इनकम है और पाशा साहब के लोन की पहली किस्त। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं रख सकता, ये तुम खुद पाशा साहब को दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम सब मिलकर पाशा साहब को दोगे ना तो बहुत खुश होगे। वैसे उम्मीद हम कर तो रहे हैं ना मिलके, मेरी जॉब भी लग जाएगी। चाचू हम सब एक ही हैं और आप सही कह रहे हैं, हम सब मिलकर देंगे तो बाबा को ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। वैसे मेरे पास ना आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर है। वो क्या? मेरे कैफे में शेफ की जरूरत है और मुझे आपसे अच्छा शेफ नहीं मिल सकता। क्या सीरियसली? हाँ डन करें फिर। डन, मुझे एक दो दिन दो सोचने के लिए, मैं जरा चाचू।